में सही तरह से सक्षम नहीं है, उन्हें क्यों नहीं आप मुख्यालय बुलाते? ऐसे सक्षम अधिकारी को रखे ताकि प्रदेश के अंदर शांति व्यवस्था रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अगर घटना रहेगी प्रदेश की महिलाओं के साथ, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज हमने उपवास रखा, पूरी मजबूती के साथ महिला सम्मान में खड़ी रहेगी। पड़ा इस सरकार की अकर्मण्यता आस नहीं बची मोहन यादव जी से, उनके मंत्रालय से, उनकी पुलिस से। 17, 18, 19, 20 बलात्कार रोज, 17 मिनट में एक बेटी के साथ अत्याचार हर 17 मिनट में। मध्य प्रदेश में रोज सुबह अखबार खुलता है और आता है कि नवजात बेटी के साथ बलात्कार हुआ, कभी टीचर ने कर दिया, कभी पड़ोसी ने कर लिया, कभी घर के किसी व्यक्ति का नाम आता है, अलग अलग तरीके से रोज यातनाएं आती हैं। ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप का कार्यक्रम नहीं है, अभियान है, बेटी बचाओ अभियान। हमने सारे जनप्रतिनिधियों को जब ज्ञापन दिया तो कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी दिया कि इस अभियान को बेटियों की सुरक्षा के लिए इस देश के हर नागरिक का दायित्व है। हम एक जिम्मेवार विपक्ष है, हमारा भी दायित्व है।